I love you all guys. Thank you so much. आप लोगों का प्यार देखकर मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोगों को मेरे नए गाने के कुछ लाइन सुनाऊं। अधूरा सा है, अधूरी सी है, दिल में तेरे एक कमी सी है, पास आओ मिटा दो फासले, सांस और धड़कन कमी सी है, खाली सा है, खाली सी है, आंखों में तस्वीर बनी सी है, तेरे होकर भी तेरे ना होने की खुशबू मन में आज फिर घुली घुली सी है। Performance, भाई, what a rocking performance. आपने जो किया ना वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। कि भाई ने वीडियो देख लिया है और उस बेचारी बहन जी को पता भी नहीं है कि उसके साथ आज रात को क्या होने वाला है। भाई व्हाट हैपेंड? ऑल ओके? व्हाट हैपेंड? आकाश शिव ये वीडियो देख व्हाट? लेकिन ये मुझे भेजा किसने? अगर दादी ने वीडियो देख लिया तो दादी का घर जाते हैं। मैं दादी के पास जा। चल चल फटाफट से चल। भाई 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 आपने ये वीडियो देखा? तुम दोनों को भी ये वीडियो मिला? भाई हाउ कुड शी डू दिस? कैसे कर सकती हो ये सब कुछ भाई? पर ये वीडियो भेजा किसने? तुम दोनों ने कहीं दादी को देखा है? नहीं भाई, पर भाई आपको इससे बात करनी चाहिए भाई। इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की भाई? हमारे घर का नाम रेपुटेशन। अरे मुझे इस वक्त सिर्फ दादी की टेंशन है। जिसने हमें ये वीडियो भेजा है वो दादी को भी ये वीडियो भेज सकता है। उससे पहले मुझे दादी के पास जाना होगा। रेशी भाई आई डोंट नो, आप देख कर आओ भाई, दादी को कुछ नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने वीडियो देख लिया? हाँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ऐसे कैसे हो सकता बेटा? दादी आप टेंशन मत लीजिए, मैं पता लगाता हूँ कि ये किया किसने और क्यों किया है और आखिर ये वीडियो भेजा किसने। दादी आपकी तबीयत पहले से ही खराब रहती है, आप प्लीज इस वीडियो के लेके और टेंशन मत लीजिए। मैं हूँ ना मैं। रुक रुक रुक, सांस ले, तबीयत मेरी नहीं तेरी खराब हो रही है। अरे ये वीडियो देख कर तू टेंशन क्यों ले रहा है? हाँ क्या हो गया तुझे? क्या हो गया? तेरी शक्ल मुझे सब बता रही है। खैर तेरा भी कोई कसूर नहीं, ऐसी वीडियो को कोई भी देख लेगा गुस्सा तो आएगा ही। ऐसे वीडियो तो पहले भी आते रहे हैं पर इसने तो हद ही पार कर दी। आप लोग कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं? इस वीडियो की। ये वीडियो देख रहे हैं हम लोग? किसी ने तुझसे ना बड़ा ही भद्दा मजाक किया है, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है इस पे। ये वीडियो बनाने वाला अगर मुझे मिल गया ना तो इसका पिटता हुआ वीडियो तो मैं बनाऊं। ये इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आया, अभी हमें इस तरह वहां से क्यों लेकर आया? वो तो कॉन्सर्ट के बाद की पार्टी कभी नहीं मिस करता है। काफी मूड भी खराब लग रहा है इसका। कैसा था कॉन्सर्ट? मैंने देखा टीवी पर, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लोग तो पागल ही हो रहे थे।
आपने ठीक कहा था, आपके लकी गिटार में वाकई कोई खास बात है, उससे तो आपने सबकी छुट्टी कर दी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, कहीं इन्होंने मुझे कॉन्सर्ट में तो नहीं देख लिया, शायद उसी बात पर गुस्सा हूं। क्या हुआ है, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा, तुमने किसी को कुछ कहने लायक छोड़ा हो तो ना। तुमने जो किया है ना वो सबको पता चल चुका है। क्या पता चल गया है, इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हो तुम, इतना कुछ किया है उसके बाद भी पूछ रही हो कि मैंने किया क्या है। क्या पूछ रही हो तुम, डोंट एक्ट स्मार्ट, ना तो हमारी घर की इज्जत के बारे में सोचा और ना ही भाई की रेपुटेशन के बारे में। लेकिन आलिया मैंने ऐसा किया क्या है जिससे मेरे परिवार की रेपुटेशन को कुछ होगा। परिवार, तुम्हारा परिवार कब से हो गया ये प्रज्ञा, अगर तुम्हारा परिवार होता ना तो इस तरह की घटिया हरकत तुम करती ही नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई मुझे बताएगा कि मैंने किया क्या है। ना, ना, मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं बल्कि तुम्हें दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो हर बार की तरह तुम आगे से कुछ ना कुछ बोलकर मुझे ही झूठा साबित कर दोगी। इसलिए दिस टाइम आई विल नॉट मेक दैट मिस्टेक। बदला ले रही हो मुझसे, मेरी गलती बताकर अपनी गलती पर पर्दा डाल रही हो तुम। यू नो व्हाट, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, मैं तनु से प्यार करता हूं और तुम्हारे आने से पहले वो मेरी जिंदगी में थी। मैं उसे अपने घर बुलाता हूं, उसके घर जाता हूं, उससे मिले, लेकिन जो भी करता हूं ना मैं तुम्हें बताकर करता हूं, तुम्हारी तरह एक इनोसेंट फेस लेकर पीठ पीछे ऐसे गंदे काम नहीं करता। मैंने उसके साथ रहने का प्रॉमिस लिया है इसलिए मैं उसे लेकर फेथफुल रहूंगा, लेकिन तुमने क्या किया, शादी की कसमें मेरे साथ खाई लेकिन निभा किसी और के साथ रही हो, करवा चौथ का व्रत मेरे लिए रख रही हो लेकिन उम्र भर का साथ किसी और के साथ मांग रही हो। यू नो व्हाट, तुम अंदर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और, तुम्हारी जैसी औरतें ना किसी की सगी नहीं हो सकती। और क्या कहा तुमने, तुम्हारे इन हरकतों से मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम किसी के साथ कुछ भी कर लो ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरी दादी के साथ जो करती ना उससे मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता लेकिन मेरी दादी तुम्हें अपनी बहू मानती है, बहुत प्यार करती हो तुमसे, उन्हें लगता है कि तुम्हारी जैसी बहू दुनिया में किसी को नहीं मिल सकती, लेकिन जब उन्हें असलियत का पता चलेगा ना तो जो उन पे बीतेगी मुझे उससे फर्क पड़ता है। डू यू गेट दैट, तुम मेरे लिए कोई नहीं हो, कोई नहीं, लेकिन तुम मेरी दादी के लिए सब कुछ हो, यू आर एवरीथिंग फॉर हर। जब उन्हें पता चलेगा कि जो खुशियां तुमने उन्हें दी है वो सब झूठी है तो उनका सिर्फ तुम पर ही नहीं बल्कि इस दुनिया पर से भरोसा उठ जाएगा। मैं मानता हूं तुम मुझसे बदला ले रही हो क्योंकि मैंने और आलिया ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मेरी दादी ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया जो तुम उनके साथ वो कर रही हो। व्हाई कट दिस बुलशिट, तुम्हें मेरी ये सारी बातें समझ में आए या ना आए लेकिन इतना समझ लो कि अगर तुम्हारी वजह से मेरी दादी के जान पर बनाई ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम जीते जी मर रही हो या फिर मर मर के जी रही हो। Do you get that?
मुझे लगा था कि तुम लालची और सेल्फिश हो, लेकिन कैरेक्टर लेस हो, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम मेरे लिए कोई नहीं। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, वो वीडियो झूठा है। मुझे नहीं पता वो कैसे बना, मुझे कुछ समझ में। आलिया, मेरे लिए मेरा पति, मेरा परिवार सब कुछ है उसके आगे, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। उससे ज्यादा, उससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर मैं ये सब क्यों करूंगी? एक औरत के लिए सबसे बढ़कर होती है उसकी इज्जत। वो क्यों औरत होने के नाते मेरी सच्चाई को समझो प्लीज। तुम लोग, मुझे नहीं पता वो वीडियो किसने बनाया, कैसे बना, मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ। प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। प्रज्ञा, प्रज्ञा, अब तुम हमारे सामने नाक भी रगड़ोगी ना, तब भी हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। और क्यों करें? तुम्हारी पूरी लव स्टोरी छप चुकी है। एंड यू नो व्हाट, उसे देखकर तो कोई अंधा भी बिलीव कर दे, तो हम क्यों ना करें? है क्या? इतनी लंबी सड़क है, गाड़ी चलानी नहीं आती, पागल है? क्या कर रहे हो? मार क्यों रहे मुझे? क्या किया मैंने? क्या किया तूने? हाँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी बीवी के साथ तेरी बात कैसे हुई? क्या किया मैंने प्रज्ञा के साथ? उसके नाम मत ले। बस करो, मुंह से बात करो, हाथ से बात करना मुझे भी आता है। प्रज्ञा के पति हो इसीलिए तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो बिना गलती के कोई मुझ पर हाथ उठाना तो दूर, मैं तो उसकी बात तक नहीं सुनता हूँ। गलती की बात कर रहा है तू? गलत काम किया है तूने, जिसके लेकर मैं तेरी जान भी ले लूँ ना तो खून माफ होगा मुझे। देखो, तुम गुस्से में, और गुस्से में तुम मेरा नहीं अपना नुकसान कर रहे हो। सीधा सीधा क्यों ही बोलते हो कि बात क्या है? मुझसे मत पूछो, अपने अंदर झांक कर देखो, तुझे तेरी घिनौनी हरकत और शक्ल दोनों दिखाई देगी। यू आर अ हिपोक्रेट, ढोंगी है तू। जब बात तेरी बहन की इज्जत पर आई तब तूने इतना बड़ा तमाशा किया, मेरी फैमिली, मेरी रेपुटेशन को मीडिया के सामने उछाला, और जब बात किसी और के घर की बहू बेटी की आई तब तेरी शराफत आ गई। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। बात हो गया, मैं चुप हूं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलते चले जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुम्हें बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं छोटा हूँ। मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? तुम्हारे बड़े हो जाने से मैं कोई छोटा नहीं हो जाता हूँ। मेरे ही मोहल्ले में आके तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। कब से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, बिना किसी कसूर के तुम मुझे मार रहे हो। तुम पागल हो गए हो? किसी की बीवी के साथ नाजायज रिश्ता रखना कसूर नहीं होता। क्या? किसी की बीवी के साथ बेड पर लेटना कसूर नहीं होता। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, और जो तुमने मेरी पीरी के साथ किया है। मैं प्रज्ञा के साथ क्या किया? मैंने कहा नाम मत ले उसका। ये शोर कैसा आ रहा है?
देखो ये सब बकवास, प्रज्ञा और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, मैं उसके बारे में कभी कुछ ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। क्या सोचता है ना, ये मैं देख चुका हूँ और प्रूफ भी है मेरे पास, जो मैं तुझे तब दिखाऊंगा जब तू मेरे हाथों से बचेगा। तुम्हें गलतफहमी हो रही है, कोई तुम्हारे कान भर रहा है, प्रज्ञा और सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तुम दोनों क्या हो ना, ये मैं देख चुका हूँ। देखो मैं मानता हूँ प्रज्ञा और मेरी शादी की बात चली थी और प्रज्ञा के दिल में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स थी, लेकिन जो तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कहा तुमने, प्रज्ञा के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थे? हाँ थी, थी फीलिंग्स, जैसी एक दोस्त की दूसरे दोस्त के लिए होती है, और वो प्यार नहीं था और प्रज्ञा को भी पता है, लेकिन इस वक्त तुम ही उसके लिए सब कुछ हो, यकीन करो मेरा, तुम ही उसके लिए सब कुछ हो। इसका मतलब कि तुम दोनों का शादी के पहले से चल रहा था? पता है एक दो बार मुझे फील भी हुआ था, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि जो मैंने देखा वो सब कुछ सच था ना। कितना बड़ा धोखा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ सिवाय धोखे के। बदला लिया है ना तूने, क्योंकि तेरी बहन को इंसाफ नहीं मिला इसलिए तूने मेरी बीवी के साथ। तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो, ये लोगों के बीच में तमाशा क्यों बना रहे हो? तमाशा इन दोनों ने मेरा बना कर रखा है। दोनों ने? दादी आप ही इसे समझाओ, इसे पता नहीं किसी ने क्या कह दिया जिसकी वजह से ये मुझ पर घटिया इल्जाम लगा रहा है। इसे लगता है कि प्रज्ञा और मेरे बीच बोलते हुए शर्म आ रही है कि प्रज्ञा मेरे बीच में नाजायज संबंध है। मुझे पूरा यकीन है कि तेरे क्या कहा तूने, यकीन है? हाँ दादी, ये दोनों शादी के बाद भी एक दूसरे से मिलते थे। ऐसा नहीं है दादी। चुप कीजिए जीजू, सब क्या बोल रहे हो आप, अपनी पत्नी के खिलाफ इतना घिनौना, शर्म नहीं आती आपको? जब उसे करने में शर्म नहीं आई तो मुझे बोलने में शर्म क्यों आएगी? उस जैसी लड़की को तो मैं, माइंड योर लैंग्वेज जीजू, मैं अपने दी के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनूंगी। क्यों? चुप कर बुलबुल। दादी मैं पूछ रही हूँ ना, अभी मुझे ये बता कि प्रज्ञा ने ऐसा क्या किया जो उसके बारे में तू ऐसी घटिया बातें कर रहा है? अरे क्या नहीं किया दादी, मेरे पीठ पीछे, मेरे ही घर में, मेरे ही कमरे में, मेरे ही बेड पर एक साथ। I will kill you. क्या कर रहे हो? जान से मारेंगी क्या उसे? हाँ मार डालना चाहता हूँ, लेकिन तुम बीच में आ गई ना। क्या हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ था तुमसे? तकलीफ हो रही थी अपने आशिक को इस हालत में देखकर, इसलिए उसे बचाने यहाँ तक आ गई? तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है ना, ये जानने के लिए किसी को वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों को देखकर ही पता चल जाता है कि तुम दोनों के बीच में कितना गहरा प्यार है, और अगर इतना गहरा प्यार था तो मुझसे शादी क्यों की? तुम्हारी असलियत ना मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर मेरी दादी को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चलेगा तो तुम जानती हो उन पर क्या बीतेगी, तुम जानती हो ना कि उनका दिल कितना कमजोर है, उसके बाद भी तुम माँ का है, बुलबुल माँ का है, ती माँ जागरण गई है। कौन सी जागरण में? मेरी दादी भी जागरण में गई है। हाँ पास वाले मंदिर में। मुझे दादी के पास जाना होगा, दादी भी वही पर अभी है। हाथ जोड़कर एक बात कहती हूँ बेटा, तसल्ली से और ठंडे दिल से सोचना, प्रज्ञा तेरी बीवी है बेटा, उसको भरोसा कर। दादी प्लीज मेरे सामने हाथ मत छोड़िए, और मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल मुझे मेरे दादी के पास जाना होगा, वो वीडियो दादी के पास पहुंचने से रोकना होगा मुझे। इसकी किस्मत खराब है कि वो वीडियो मेरे पास आ गया, लेकिन अगर वो वीडियो दादी के पास चला गया ना तो मैं तुम दोनों का वो हाल करूंगा कि तुम। दादी मैंने कुछ नहीं किया, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। अरे अभी बेटा तुम, अरे इतना लेट क्यों आए जागरण में? हाँ
अरे अभी आज तो तुम्हारा कॉन्सर्ट था, मैंने तुम्हें बेटा आज टीवी पे देखा, क्या गाना गाते हो तुम। दादी का है? दादी उधर है, वो आ रही है बेटे, वो रही। अरे अभी प्रज्ञा, दादी आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मतलब, माता के दरबार में मुझे क्या होना है, ठीक तो मुझे तू नहीं लग रहा, तू आज यहाँ कैसे? प्रज्ञा बेटा तू वहाँ क्यों खड़ी है, मुझे पता तू ही इसे लेके आई है। नहीं नहीं दीदी, कोई किसी के कहने पे नहीं आया है, ये हमें ले जाने के बहाने से अकेले घूम रहे हैं। प्रज्ञा बेटा इधर आ, तुझे पंडित जी से आशीर्वाद दिलाना। पंडित जी। हाँ जी। ये है मेरी बहू प्रज्ञा। सदा सुहागन रहो, ये लो प्रसाद, आप भी लीजिए। तुम्हारी दादी अभी तुम्हारे बारे में बातें कर रही थी, जैसा सुना वैसा ही देखा, तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। माता की भेंटें सुनके आनंद आ गया सच में। दीदी उस औरत को देख के आनंद नहीं आया जो आई तो अपने पति के साथ थी, पर उसकी नजर किसी और के पति पे थी और जाते हुए अपने पति से लड़ पड़ी। उसका नाम मत ले मेरे सामने, बेशर्म थी वो, ये भी नहीं सोचा बैठी कहाँ है। दीदी क्या हुआ, सिर्फ देख ही तो रही थी। तू हंस मत, मुझे ऐसी औरतों से सख्त नफरत है जो शादीशुदा होके भी अपने मर्द को छोड़कर दूसरे पर नजर रखती है। करेक्टर रेस कहेंगे, मन में कुछ और मुंह पे कुछ होता है, नफरत है छी। पर दीदी आप तो बहुत किस्मत वाली हैं, प्रज्ञा जैसी बहू मिली है आपको जिसकी जबान पे भी अभी और दिल में भी अभी। क्या बात है बेटा, तुम लोग इतने चुप चुप क्यों हो? दीदी हमें देख के शर्मा रहे हैं, अभी हम नहीं होते ना तो खूब गप्पे मारते अंताक्षरियां खेलते ही दोनों। हाँ मजा आ गया जी, मजा आ गया। वाह जी वाह, पहले अभी का कॉन्सर्ट, फिर माता का जागरण, वाह आज का दिन तो हमेशा याद रहेगा। अच्छा तुझे आना चाहिए था, आज अभी की आवाज ने वो समा बांधा है, वो समा बांधा है कि पब्लिक झूम रही थी, झूम रही थी। हाँ प्रज्ञा मेरे अभी की आवाज पर सब लोग झूम रहे थे, खास करके वो लाइन, क्या थी वो लाइन? हाँ मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा। हाँ हाँ मुझे याद आ गया, हाँ कुछ ऐसा ही था ना, अधूरा सा था अधूरी सी है, दिल में तेरी कमी सी है। वही था ना, वही था। अभी इसके आगे की लाइन क्या है बेटा? दासी मुझे याद नहीं। भूल कैसे गया, खुद ही लाइन लिखी और खुद ही भूल गया। याद करना बेटा याद। दादी आप याद कीजिए, मैं सोने जाऊं। प्रज्ञा इसे क्या हो गया, इसका मूड इतना उखड़ा खड़ा सा क्यों है? कुछ नहीं दादी, थक गए होंगे शायद इसलिए सोने चले। हाँ थक गया है, मैं देखती हूँ अगर उन्हें कुछ चाहिए तो। हाँ ठीक है बेटा। तुमने इसीलिए बांधा था ना, ताकि हमारा ये रिश्ता जुड़ा रहे, हमारा जो भरोसा है वो बंधा रहे। तुमने अपने गंदे इरादे तो पूरे कर लिए, लेकिन तुम्हारी सोच कभी पूरी नहीं होगी। हमारे रिश्ते को अब कोई बांध के नहीं रख सकता।
ना ये धागा ना कोई भरोसा। जिस अग्नि के सामने हमने इस रिश्ते की शुरुआत की थी, मैं उसी अग्नि के सामने इस रिश्ते का दी एंड करता हूं। माँ ने सुन लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। ये तुम दोनों कोने में खड़े होकर क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो तुम दोनों? नहीं माँ, कुछ भी तो नहीं। कुछ भी नहीं मतलब? कुछ तो देख रहे हो ना, मुझे भी दिखाओ। वो वीडियो मेरी दोस्त ने भेजा है, वो ही मैं पूर्वी को दिखा रही थी। कैसा वीडियो देख रही है, मुझे भी दिखा। हाँ, वो आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, तू मुझसे ज्यादा समझदार है, तुझे समझ में आ गया और मुझे समझ में नहीं आएगा। ला दिखा। माँ, वो वीडियो ठीक से भी तो नहीं चल रहा है, बफर हो रहा है। मैंने कहा मुझे वीडियो दिखा, मुझे सब समझ में आता है, मैं चला लूंगी। ला दे। बुलबुल, मैंने कहा दे दे। मैंने कहा सरला, तू भी हद करती है ना, ये बच्चों का वीडियो तुझे क्या करना है देख के। एक मिनट बीजिए, तो ये छिपा रही थी तुमसे। मां, मुझे लगा अगर मैं ये वीडियो आपको दिखा दूंगी तो आप शायद टेंशन ले लोगे। टेंशन नहीं करूंगी, गुस्सा जरूर करूंगी। मुझसे छिपा के रखी है बात, मुझसे छिपा के रखी है अभी के कॉन्सर्ट वाली बात। एक दामाद का कॉन्सर्ट एक सांस नहीं देख सकती, ऊपर से ये वीडियो भी तो मुझसे छुपा रहे थे। एक्चुअली वो माँ, जिस दिन जीजू का कॉन्सर्ट था उसी दिन मेरा इंटरव्यू था। अगर मैं आपको बता देती ना कि जीजू का कॉन्सर्ट है, वो भी इतना बड़ा, तो आप शायद जिद करते जाने का, इसलिए मैंने ये आपसे छुपाया। क्या छुपाने की जरूरत थी और क्यों छुपाई तुमने ये बात? नहीं जाते हम कॉन्सर्ट में, लेकिन इतना बड़ा कॉन्सर्ट था मेरे दामाद का, कम से कम मैं उसे फोन करके बधाई तो दे देती। क्या सोचता होगा वो हमारे बारे में, हम उसे बेटा समझते और बधाई का एक फोन नहीं गया हमारे घर से। मेरा फोन कहाँ है? अंदर। ठीक, मैं प्रज्ञा को फोन करती हूँ। ये पकड़ अपना फोन, जब देखो पता नहीं क्या क्या छुपाती रहती है। हमारे बीच का रिश्ता इस आग की तरह खत्म हो चुका है, अब राख और धुएं के अलावा कुछ नहीं बचा और अब कोई उम्मीद भी नहीं बचनी चाहिए। मैंने फैसला ले लिया है कि तुम्हारे किए की सजा मुझे और मेरे परिवार को नहीं बल्कि तुम्हें ही मिलनी चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।